प्रकार की लीला होती है, अंग अनुग्रहात्मक निग्रहात्मक। जो दिखाई पड़ता है ऊपर से भगवान ने रक्षा कर दिया, बड़ी मुसीबत थी, अनुग्रहात्मक लीला है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण से रक्षा कर दिया, वो नंगी की जा रही थी लेकिन भगवान ने उनको नग्न नहीं होने दिया, आगे चीर बढ़ा दिया, सारा संसार देखता रह गया। एक बड़ा चमत्कार था कि 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन भी थक गया, एक पतली सी साड़ी को खींच नहीं पाया और सारी सभा धिक्कार धिक्कार कहने लग गई। ये बहुत बड़ा चमत्कार था, ये अनुग्रहात्मक लीला है। लेकिन फिर पर्दा पलट गया, उसी समय वो लोग जब सभा हटी, सभा हटने के बाद जब पांडव लौट रहे थे तब फिर से धृतराष्ट्र से बुलवाया गया, रास्ते से लौट के आए बेचारे, ये भी आपकी फिर से जुआ हो युधिष्ठिर, और आपकी ऐसा जुआ हो कि ऐसा नहीं कि स्त्री विस्त्री दांव में रखी जाए, एक ही दांव पड़ेगा जो जंगल में 12 वर्ष जुहा रहे, बस एक साल अज्ञात कर वास करे, उसके बाद अपना यहाँ जाए, अज्ञात वास में पता पड़ जाए कौन कहाँ है तो फिर 12 वर्ष जाए। ऐसा उन्होंने दांव फेंका, उसमें हार गए पांडव। तो क्या उस समय भगवान नहीं बचा सकते थे? जो साड़ी बचा हरा वो बढ़ा सकते हैं, तो उस दांव को भी वो। लेकिन ये निग्रहात्मक लीला है, यानी कि हार और कष्ट भी कृपा है। कृपा करो रानी, कृपा करो।